सो हेलो गाइस, शुद्ध गरीब ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं विपिन सोंदी आज आपको फिर एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम नए जगह काम लगाए थे जहाँ काम तो ठीक ठाक ही था, बट एक चीज़ आप लोग भी ये गलती मत करो, मैं इसीलिए अपने ब्लॉगिंग चैनल में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखो जैसे इन्होंने पुट्टी करा के छुड़वा दी रही है प्राइमर डलवाने के बाद, उसके बाद क्या होता है कि दीवारों में बहुत ज़्यादा कलर डेंट वगैरह से ज़मीन में भी पीछे बहुत सारे डेंट पड़ जाते हैं, मतलब छीटे लग जाते हैं, गंदगी लग जाती है दीवार में, तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आप वाइट बस छुड़वा के मत कराया करो, क्या है कि बहुत ज़्यादा इनमें इशू हो जाता है। जैसे देख ही लो अभी जस्ट नीचे ही ऐसे ऐसे दाग बन जाते हैं वे फालतू वाले, इनको ये आपके कलर के बाद भी नहीं जाने वाले हैं। ये जैसे कि यहाँ भी दिख रहे हैं तो ये कलर के बाद भी नहीं जाने वाले हैं। और देख लो अभी इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, तो ये ऐसा है सीमेंट के चारों तरफ दाग वगैरह। आप टचिंग करा दो दोबारा चलेगा, लेकिन आप ऐसा मत कराओ कि आप वाइट करा के छोड़ दो, क्योंकि वाइट के बाद घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और यही सबसे ज़्यादा वो हो जाता है कि आप फिर बाद में आप जब कलर कराओगे तो आपके ये दाग दिखते हैं, दिखते रहते हैं। इमल्सन है, इमल्सन तब तक दबा देता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपके दाग अगर जो वहाँ हाथ लग गया है तो दोबारा भी आपके दाग निकल आएंगे। तो ये गलती आप लोग भी मत करो, क्योंकि ये गलती से बहुत ज़्यादा आपको नुकसान आपका ही है, क्योंकि कुल मिला के आपको ये नुकसान रहेगा कि जब आपने प्राइमर करा दिया है और उसके बाद फिर आपको जब साफ़ सफाई पूरी करानी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपका कलर डलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप मैं ऐसे ही कलर चढ़ा दूंगा तो यहाँ पूरा घर गंदा हो जाएगा, इसीलिए पहले साफ़ सफाई चल रही है उसके बाद से फिर कलर डलेगा। ये फोकट का ज्ञान था जो मैं फूंक रहा हूँ, तो इसको ले लो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोकट का ज्ञान। चलो हम दिखाते हैं, अभी हमने सेलिंग भी लगाई है एक साफ़ कर करके, बहुत गंदी हो गई देखा था। तो चलो देखो, तो ये आप लोगों को अलग दिख रहा होगा कि दीवार देखो कैसे गंदी है और ऊपर छत देख लो, अभी अभी गीली भी है कहीं कुछ कुछ जगह में, जैसे यहाँ गीली भी दिख रही है। तो अभी हमने इसको सही कर दिया और लाइट बंद करने के बाद ही आपको ये सही समझ में आता है, नहीं तो उसके पहले देख लो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा ऐसा कि ये कुछ सीन है। तो ये गलतियाँ आप भी मत करो, ये गलतियाँ से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और प्लाई वाली छत है तो छत डैमेज है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा अजीब सा दिखेगा, आपको खुद ही अलग दिखेगा, आप खुद ही कहोगे यार ये क्या चीज़ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा मत कराओ कि फालतू आपका लॉस हो जाए, जो भी कराना मत कराओ, प्रॉफिट वाला ही कराओ, लॉस में क्या जीना है। ये देखो जैसे कि यही छत की देख लो, ये देखो यहाँ पे आपको डेंट देखेंगे, तो ऐसा मत कराओ। और इसका तो कर चुके हैं अब, हालांकि इसका लगना है तो इस रूम में अब हमको लगना है, और यहाँ का भी, यहाँ भी पहले सीढ़ी वगैरह आ गई है, अब यहाँ भी हमको करना ही है थोड़ा साफ़ सफाई, उसके बाद फिर मिलते हैं हम आपको। इस पे प्राइमर तो डल चुका है, बस इसमें अब वो अपने को कलर डलवाना था, लेकिन कलर जिन जो भी डलवा रहे हैं तो पहले उनको डलवा लेना चाहिए था, बाद में बहुत दिक्कत आती है, पुट्टी बहुत गंदी हो जाती है। तो ये था फोकट का ज्ञान, चलो मिलते हैं हम आपको बाद में, काम भी कर लें।